प्रश्न को दोहराने की नतीजे जो है वो एक चौंकाने वाले हैं, बिल्कुल दोहराने, क्योंकि उम्मीद किसी को नहीं थी। हम उम्मीद थी कि इस बार जनता का आशीर्वाद मिलेगा, और जो भी मैंडेट आया है जनता का, मैंने पहले ही कहा जनता माई बाप है, लोकतंत्र में जो भी फैसला आएगा उसको हम विथ ह्यूमिलिटी स्वीकार करेंगे, और नई सरकार जो बनेगी उसको हमारी शुभकामनाएं हैं, अच्छे काम करके दिखाएं, ये हमारी भावना रहेगी उनके साथ में, पूरा सहयोग रहेगा उनके साथ। ये लगता है कि जो स्कीमें शानदार थी हमारी, कानून में ऐतिहासिक बनाई, पूरे देश में चर्चा उसकी है, स्कीमें ऐसी बनाई जो पूरे देश में चर्चा हो रही है, पहली बार राजस्थान की चर्चा हिंदुस्तान के हर राज्य में होती है, और गारंटी मिली वो शानदार थी, उसके बावजूद भी जो नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले। परंतु क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी जो उम्मीद थी उसके विपरीत नतीजे आए हैं, मध्य प्रदेश में उल्टे नतीजे आए हैं, इसलिए जब तीन राज्यों में ऐसे परिणाम आए हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक सोच का विषय, एग्जामिन करने का विषय है कि क्या कारण रहे होंगे। थोड़ा अभी तो आ तो नतीजे आ रहे हैं, अभी तक तो थोड़ा रुकिएगा, धैर्य रखिएगा, इसके परिणाम पता करेंगे क्या कारण रहे होंगे। नए चेहरे चुनाव जीते, लगता नहीं टिकटे कुछ और काट लेंगे, कुछ टिकटे और काट रहा, नए चेहरों को मौका दिया गया, वो सारे जीत गए। अभी मेरी बात सुनो, जो ये जो प्रॉब्लम यहाँ थी, हम भी जानते हैं कि ये नए चेहरे लाने की बात थी कि नए उम्मीदवार आने चाहिए, पर ये मांग मध्यप्रदेश में थी नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं थी, तभी वहाँ भी चुनाव हारे हम लोग, तो ये कहना कि भाई नए चेहरे तो जीत जाते वो गलत बात है। नंबर दो, नए चेहरे को हम सब लाइक करते हैं, पर जो सर्वे आए थे, जो भी आए थे, उसमें अगर किसी के खिलाफ में एनडीए में थी तो नो ऑप्शन, इस पर हालात बन गए थे, इसलिए वो भी जो फैसले हम करना चाहते थे वो नहीं हो पाए। भाई मैंने कहा ना आपको, ये प्रॉब्लम मध्यप्रदेश थोड़ी थी, ना एमपी में थी ना छत्तीसगढ़ में थी। ताजा ताजा खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर